विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। कंपनी की स्थापना कब और किसने की, कौन थे गुलशन जी के हत्यारे, कैसे टी सीरीज ने बनाया अपना एक अलग मुकाम। टी सीरीज यूट्यूब की पहली ऐसी म्यूजिक कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स बनाए थे। आज की बात करें तो इनके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 185 मिलियन हो गई है। म्यूजिक इंडस्ट्री में तो टी सीरीज को भरपूर लाभ हुआ था और इस फिल्म बनाने व निर्देशक करने में भी काफ़ी तरक्की मिली। बता दें, भारत की नंबर वन म्यूजिक और फिल्म मेकिंग कंपनी टी सीरीज की नींव को 11 जुलाई 1983 में संगीत की दुनिया के किंग गुलशन कुमार के द्वारा रखा गया था। जब वे मात्र 37 ईयर्स के थे, गुलशन कुमार ने टी सीरीज कंपनी दिल्ली में खोली थी। बता दें कि टी सीरीज के पहले गाने में लालू राम था और इस गाने को म्यूजिक रविंद्र जैन ने दिया था, जो साल 1984 में लॉन्च किया गया था। फिल्म की दुनिया में टी सीरीज ने अपना पहला कदम तुम बिन मूवी से रखा, जो उस समय एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी हैं, या यूँ कहें तो टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार जी हैं जिन्होंने टी सीरीज की नींव रखी थी। गुलशन कुमार जी को म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने म्यूजिक को एक अलग लेवल तक पहुंचाने के लिए अपनी खुद की एक म्यूजिक कंपनी खोल दी। गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड के गानों के पेल्जराइज्ड वर्जन भेजना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि लोगों ने बॉलीवुड के इन रीमेक गानों को भी काफ़ी पसंद किया। कुछ ही दिनों में टी सीरीज ने एल्बम सॉन्ग और कैसेट्स की दुनिया में अपना नाम बना लिया। लेकिन गुलशन कुमार की ये कामयाबी लोगों के आंखों में खटकने लगी और लोगों ने आखिर गुलशन कुमार जी के ऊपर अपनी नज़र लगा दी। और 1977 में कुछ गुंडे मवाली ने गुलशन कुमार जी को गोलियों से भून दिया, जिसके कारण 1997 में म्यूजिक एक्सपर्ट गुलशन कुमार जी की मृत्यु हो गई। गुलशन कुमार जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे भूषण कुमार जी को टी सीरीज की पूरी बागडोर संभालनी पड़ी। भूषण कुमार जी की गुलशन कुमार जी के तरह बहुत ही काबिल इंसान है। अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर भूषण कुमार जी ने टी सीरीज को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है और म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मी इंडस्ट्री में भी काफ़ी इतना जादू चलाया। और भूषण कुमार जी के नेतृत्व में टी सीरीज ने तुम बिन मूवी से फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोड्यूसिंग और डायरेक्शन जैसे फील्ड में अपना पहला कदम रखा और आज तक मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। फिल्मी जगत में टी सीरीज ने बहुत नाम कमाया। इतना ही नहीं, भूषण कुमार जी की मेहनत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पर भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। अगर अभी की बात करें तो वर्तमान समय में भूषण कुमार जी टी सीरीज के मालिक हैं और भूषण कुमार जी केवल टी सीरीज के मालिक ही नहीं, टी सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। गुलशन कुमार ने कैसे टी सीरीज की स्थापना की, उन्हें उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर कैसे उनकी डेथ हुई, कौन थे वो लोग जिन्होंने गुलशन जी की गोलियों से मार दिया, इन सभी को उनकी बायोपिक फिल्म मोगल में दिखाया जाने वाला है, जिसकी मांग गुलशन जी के बेटे भूषण कुमार जी कर रहे थे। बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी टी सीरीज कंपनी ही करेगी। इसमें कौन निभाएगा गुलशन जी का किरदार, कौन बनेगा वो गुंडा जिसने गुलशन जी की लाइफ में विलन का किरदार निभाया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।